नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आज रामनवमी के अवसर पर रघुवंशी कॉलोनी स्थित श्री राम मंदिर में 12 बजे भगवान श्री राम का भव्य जन्म उत्सव मनाया गया। उसके पश्चात रघुवंशी समाज द्वारा भगवान श्री राम जी की भव्य श्री राम रथ यात्रा शुरू की, जो कि मरी माता चौराहा, वृंदावन कॉलोनी, किला रोड होते हुए वापस राम मंदिर पर समाप्त हुई। श्री राम रथ यात्रा में रथ पर सवार श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की प्रतिकृति और वानर सेना बड़े ही आकर्षण का केंद्र रही। रथ में सवार भगवान श्री राम की प्रतिकृति का कई मंचों और कई घरों से आरती उतारकर भव्य स्वागत किया गया। रथ यात्रा का दृश्य ऐसा था मानो भगवान श्री राम स्वयं आज भ्रमण पर निकले हों। एक रथ में कथावाचक बहन रमा किशोरी जी भी अपने हाथों में भगवान श्री लड्डू गोपाल को हाथों में साथ लिए सवार थी। बहन रमा किशोरी जी का भी राम रथ यात्रा में भव्य स्वागत हुआ। रथ यात्रा में डीजे और बैंड की धुन पर राम जी की सेना चली और भगवा रंग जैसे भजनों के साथ बड़ी संख्या में माता बहनें अपने अलग ही अंदाज में साथ चल रही थी। रथ यात्रा समाप्त होने के बाद श्री राम कथा के अंतिम प्रसंग का समापन हुआ। उसके बाद रघुवंशी समाज द्वारा रामनवमी के अवसर पर आयोजित भोजन भंडारे का शुरुआत की, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। राम रथ यात्रा और अंतिम दिन की कथा में भजनों में माता बहनें खूब नाच गा रही थीं। सभी ने एक स्वर में कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों में समाज में एकता बनती है, सभी भक्ति के रस में डूबे रहे। रघुवंशी समाज द्वारा 9 दिवसीय भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। आज रामनवमी के अवसर पर श्री राम कथा का समापन हुआ। साथ ही रघुवंशी समाज द्वारा श्री राम रथ यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। रथ पे भगवान श्री राम प्रतिकृति स्वरूप मौजूद थे, जिनका जगह जगह पर आमजन ने आरती उतार कर फूल के भव्य तरीके से स्वागत किया। साथ ही रघुवंशी समाज द्वारा भंडारे का भी आज आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजन प्रसाद ग्रहण किए। टाइम न्यूज़ देखिए अब आप।